देखिए, जिस प्रकार से 3 तारीख तक एमएचए ने भी अपनी ओर से अलग अलग इंस्टीट्यूशन को खोलने की छूट दी है, और 3 तारीख के बाद कैसे देश को इस कोरोना की महामारी से बचाया भी जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर 9 मुख्यमंत्रियों ने अपने सुझाव रखे। प्रदेश की ओर से भी यही सुझाव रखा गया कि जहाँ बच्चों की शिक्षा एक अहम चीज है, वहीं क्योंकि हमारा प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे मिलिट्री के जॉइंट एग्जाम्स हों, चाहे वो हमारे नीट के एग्जाम्स हों, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हों, केंद्र उसके ऊपर भी अपनी रणनीति बनाए। साथ में जैसे यूपीएससी ने एग्जामिनेशन ईयर को सितंबर से शुरू करने की बात करी, सीबीएसई और जो अन्य बोर्ड हैं वो उसके ऊपर अपने विचार करें, और खास तौर पर जो हमारे फार्मर्स हैं, आज उनकी प्रोक्योरमेंट को सरकार लेकर चल रही है, पर उसको और कैसे इंसेंटिव के तौर पर देकर डिले किया जाए, उसके ऊपर केंद्र से आग्रह किया है। हम उम्मीद रखते हैं कि जीवन सामान्य होगा, और उम्मीद करते हैं कि 3 तारीख के बाद जैसे जैसे अब रूरल एरिया को खोला गया है, ग्रीन एरिया को खोला गया है, जो हमारे ऑरेंज एरियाज हैं और जो रेड एरियाज में भी कंटेमिनेटेड जोन के बाहर के एरियाज हैं, उसको कैसे खोला जाए, केंद्र उसके ऊपर रणनीति बनाए। अभी तो 3 तारीख के अंदर लगभग 7 दिन का समय है, और ये बड़े अहम 7 दिन, जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, मुझे लगता है उसकी गंभीरता को हम सबको जानना चाहिए, और उसको देखते हुए ही हमें आने की कदम उठाने। कुछ राज्यों ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, देखिए 1 साइज के नॉट फिट ऑल की आज सिचुएशन है, हर प्रदेश की अपनी रणनीति है, और मुझे लगता है केंद्र भी समझता है जो राज्य आज 0 इफेक्टेड हैं, जो राज्य आज नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, जिनके प्रदेश के जिले धीरे धीरे ग्रीन जोन में 28 दिन के क्वारंटाइन के बाद कन्वर्ट हो रहे हैं, वहाँ छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट बंद है, मगर हमें धीरे धीरे विद इन डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, विद इन डिस्ट्रिक्ट लाइफ को सामान्य करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रत्येक राज्य भी, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी हरियाणा ने कहा है कि अपनी प्लानिंग करिए और प्लान बनाकर ही आगे के कदम उठाए। देखिए, अगर हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, पंचकुला हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, आज जरूरी है यहाँ पर सख्ती रखना, मगर बाकी जिले सामान्य तौर पर अपने जीवन काल में आए, इसके भी लगभग 73 लाख एम्प्लॉयज तो हमारी इंडस्ट्री में वापिस आ चुके हैं, 2,17,000 के लगभग ईंट भट्टों पे कर्मचारी वापिस आ चुके हैं, और जो रूरल एरिया में इंडस्ट्री थी उसको हमने परमिट कर दिया, बिल्कुल इसमें छूट परमिशंस के बाद है। आने वाले दिनों में जो नॉन इफेक्टेड एरियाज हैं उसके अंदर सेल्फ सर्टिफिकेशन पर भी हम इंडस्ट्री को खोलने के ऊपर विचार कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ने आत्महत्या की है कुरुक्षेत्र पे, उसने आरोप लगाया है कि उसके डीएफएससी और उसके महकमे के दो, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अगर इस तरह की कोई गतिविधि हुई है तो कार्रवाई पुलिस विभाग ने करनी है, महकमे के पास जिस दिन रिपोर्ट आएगी हम उसके ऊपर सख्त से सख्त। वो तो केंद्र सरकार तय करेगी, हमने अपनी ओर से सजेशन पहले भी लिखित तौर पर दिया था, वो पत्र आपने भी देखा, पंजाब ने भी वही लिखकर भेजा है, अब तक केंद्र सरकार की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमारा तो ये आग्रह है कि इस पे विचार किया जाए, क्योंकि जिस तरह के प्रोक्योरमेंट डिलेज है, और 2 दिन जैसे आज भी बारिश कई जिलों में हुई है, कल भी बारिश हुई है, शायद हमें आने वाले 1-2 दिनों में जो फार्मर पीछे रह गया, जिसको कई जगह हमें समस्या आई कि रात को 12 बजे मार्केटिंग बोर्ड ने SMS भेजा, और इस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर भी हम दोबारा कर रहे हैं कि 1 दिन इस हफ्ते के अंदर
हम डेडिकेटेड रखें कि जो फार्मर जिसके पास मैसेज आ गया और जो मंडियों में ना आया उसको बुलाकर उसकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हम उस दिन कन्वे करें, साथ में हमारी मंडियों में जो अनाज पड़ा है, क्योंकि लेबर की कमी एक सबसे बड़ा हमारे सामने कारण है, वो किसी चीज़ को डिले ना करे। इसलिए शायद आज शाम तक हम फैसला लें, कल नहीं तो परसों या तरसों एक दिन हम जो जो फार्मर सरसों में रह गया, जो जो फार्मर वीट में रह गया, उसको दोबारा मंडी में आने का मौका देंगे कि एटलीस्ट जिसके पास मैसेज गया हुआ था उसकी प्रोक्योरमेंट हो। एक चीज़ जरूर आपके माध्यम से कहूँगा कि एक भ्रम बारी बारी फैलाया जा रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है। कल भी मेरे पास कई जगह से मैसेज आए कि 200 क्विंटल से ज़्यादा गेहूँ परचेज नहीं हो रही। ये आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, पानीपत मंडी के अंदर एक फार्मर 1609 क्विंटल गेहूँ लेके कल आया और 1600 की 1609 क्विंटल उसकी परचेज करी। सरसों के जितने हमारे फार्मर्स थे पहले तीन दिन वालों के खाते में पैसे आ चुके। मेरे पास स्वयं एक फार्मर का मैसेज आया कि मैं 1,09,000 रुपया मेरे खाते में आ चुका। हम आपको दोबारा आपके माध्यम से फार्मर्स को बता देते हैं कि 2.5% जो आड़ती की आड़त है उसको कोई नहीं रोकेगा। 450 करोड़ रुपया आड़तियों के लिए हमने अलग से रखा हुआ है, 22,000 करोड़ रुपया हमने CCL के माध्यम से वीट के लिए रखा हुआ है। टाइम लग सकता है मगर आप भ्रमित ना हुई है। जिस दिन आपको संदेश आए उस दिन आप मंडी में आए, जितनी आपकी गेहूं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर फार्मर की रजिस्ट्रेशन पे एकड़ वाइज वो गेहूं कैलकुलेटिव है, हम एक एक दाना उसका परचेज करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का प्रत्येक राज्य केंद्र के ऊपर आंख लगाए बैठा और उम्मीद रखते हैं कि अगले 4-5 दिनों में केंद्र भी इसके ऊपर अपना निर्णय लेगा। प्रधानमंत्री ने भी उस बात को आज बोला है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। जैसे 1,70,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया था, हम उम्मीद करते हैं कि अब प्रधानमंत्री जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी MSME है, इसके रिवाइवल के लिए भी फैसले लेंगे।